गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपको स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो अर्थात धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह को मैं समझाने जा रही हूँ। कोई भी तरल जब प्रवाहित होता है तो उसके दो ही तरह के प्रवाह संभव होते हैं, पहला धारा रेखीय प्रवाह और दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। अब हम इन्हें जरा विस्तार से जानते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है और विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। सर्वप्रथम धारा रेखीय प्रवाह यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक दूसरा नाम भी है लेमिनार फ्लो। अतः हम चाहे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहें या लेमिनार फ्लो कहें, दोनों एक ही हैं, जिन्हें हिंदी में धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है। जब कोई तरल एक निश्चित धारा में या निश्चित दिशा में इस प्रकार प्रवाहित होता है कि तरल का प्रत्येक कण अपने से पहले वाले कण के पथ का अनुसरण करता है, अर्थात जब तरल एक स्मूथ पाथ पर चलता है और हम ये मानते हैं कि तरल कई परतों का बना हुआ मिश्रण होता है और ये परतें कभी एक दूसरे को इंटरफेयर या काटती नहीं हैं, या आप कह सकते हैं कि जब तरल एक पैरेलल लेयर्स के रूप में प्रवाहित होता है तो इस तरह का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। धारा रेखीय प्रवाह में तरल की वेलोसिटी या तो नियत होती है या समय के साथ नियमित रूप से बदलती है। लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि यह फ्लो तभी संभव होता है जब तरल की वेलोसिटी लो होती है या कम होती है, तब ये तरल परतों के रूप में प्रवाहित होता है और ये परतें एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, या यूँ कह सकते हैं ये मिक्स नहीं होती हैं, किसी भी तरह की भंवर धाराएं नहीं होती हैं धारा रेखीय प्रवाह में, और अचानक किसी भी प्रकार का कोई विक्षोभ प्रकट नहीं होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह एक सीधी सरल रेखा में प्रवाहित होता हुआ प्रतीत होता है, इसी कारण इसे धारा रेखीय प्रवाह भी कहा जाता है। तरल के अलग अलग बिंदुओं की अलग अलग वेलोसिटी होती है, परंतु तरल की सामूहिक वेलोसिटी या तो नियत होती है या समय के साथ नियमित रूप से बदलती है, और पीछे वाला कण आगे वाले कण के पथ का उसी दिशा में उसी प्रकार से अनुसरण करता है। इसको चित्र में भी दिखा रखा है स्ट्रीमलाइन फ्लो को, तो इस चित्र में भी आप यही देख रहे हैं कि तरल को हमने सीधी हो चाहे वक्राकार रेखाओं के रूप में दिखा रखा है, पर ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ये अपने स्मूथ और सीधे पाथ पर चलती रहती हैं, यानी पीछे का कण आगे वाले कण के पथ का अनुसरण करता रहता है। तो इस तरह के प्रवाह को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब हम जानते हैं कि विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो अर्थात विक्षुब्ध प्रवाह। जब किसी तरल का प्रवाह इर्रेगुलर हो जाता है, अर्थात वह तरल सीधी सरल रेखा में प्रवाहित ना होकर उसमें भंवर धाराएं आ जाएं, या उनकी तरल के अणुओं की गति अनियमित हो जाए, तो वह प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। विक्षुब्ध प्रवाह में तरल के
अणु एक ही समय में कई वेलोसिटी के साथ गति कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं उनकी वेलोसिटी में या प्रेशर में समय और टाइम के साथ तेज़ी से परिवर्तन आता है, यानी उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तेज़ी के साथ बदलता है, जिसके कारण प्रवाह में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हमने अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो में देखा था कि तरल सरल रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, परंतु टर्बुलेंट फ्लो यानी विक्षिप्त प्रवाह में ये सरल धारा रेखीय प्रवाह नहीं होता है और ये धाराएं एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर धाराएं लेयर्स के रूप में प्रवाहित ना होकर वो मिक्स हो जाती हैं, एक दूसरे को काटती हुई धाराएं आगे बढ़ती हैं। तरल का प्रवाह जिसमें कि स्थानिक वेग और दाब अनियमित और यादृच्छिक रूप से घटते बढ़ते रहते हैं, इस तरह के प्रवाह को ही हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, यानी विक्षिप्त प्रवाह कहते हैं। विक्षिप्त प्रवाह को और भी अच्छे से समझने के लिए हमें एक टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी को जानना होगा, क्रांतिक वेग जिसे कहा जाता है, कि यह क्रांतिक वेग क्या है। इससे पहले हम एक उदाहरण समझते हैं कि जब पानी, हम देखते हैं झरने तालाबों में पानी शांत और शीतल रूप से धीरे धीरे बहता हुआ कलकल करता हुआ बहता है, तो उस तरह के प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। लेकिन वही प्रवाह जब हम पानी का प्रवाह समुद्रों में देखते हैं, तो समुद्रों में पानी का प्रवाह, समुद्रों में भंवर धाराएं भी आती हैं, तो वहाँ पे पानी का प्रवाह विक्षिप्त प्रवाह कहलाता है। तो कब एक तरल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह से विक्षिप्त प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है, तो यह जानने के लिए हमें यह टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी को समझना बेहद ज़रूरी है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रांतिक वेग किसी तरल का के अणुओं का वह वेग है जिस समय या जिस वेलोसिटी से कम मान पर तरल धारा रेखीय प्रवाहित होता है, तथा जिससे अधिक वेलोसिटी के मान पर तरल का प्रवाह टर्बुलेंट या विक्षुब्ध हो जाता है, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं या क्रांतिक वेग कहते हैं। अर्थात क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम मान पर तरल का प्रवाह धारा रेखीय होता है, तथा जिससे अधिक मान पर तरल का प्रवाह विक्षुब्ध या टर्बुलेंट हो जाता है, उस वेलोसिटी को ही हम क्रांतिक वेग कहते हैं। और क्रांतिक वेग को नापने के लिए या धारा के प्रवाह को यह जानने के लिए कि धारा की तरल का प्रवाह स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट होगा, इस बात को नापने के लिए हमें एक नई क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड नंबर के आंकड़ों से ही हम यह बता सकते हैं कि धारा का प्रवाह स्ट्रीमलाइन है, तरल की धारा का प्रवाह स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर धारा नियमित धारा से, अर्थात तरल धारा, तरल के प्रवाहित होने की धारा नियमित होती है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर तरल का प्रवाह अनियमित और अराजक होता है। रेनॉल्ड नंबर जिसके आधार पर हम तरल के प्रवाह को समझाएंगे कि यह तरल का प्रवाह स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ चित्र में दिखा रखा है, तथा चित्र में हमने लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को भी समझा रखा है।
तो हम चित्र में भी देख रहे हैं कि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर तरल की जो विभिन्न परतें हैं ये एक दूसरे को काट भी रही हैं तथा इन परतों की वेलोसिटी नियमित नहीं है तथा इनके अंदर भंवर धाराएं भी उत्पन्न हो रही हैं, अनियमित है इनकी वेलोसिटी। और रेनॉल्ड नंबर जिसे हम आर ई से शो कर रहे हैं उसका फॉर्मूला भी दिखा रखा है। आर ई बराबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू, जहाँ रो डेंसिटी है तरल का घनत्व है, वी तरल की वेलोसिटी है, डी पाइप में प्रवाहित हो रहे तरल जो कि तरल जिस पाइप में से प्रवाहित हो रहा है उस पाइप की डायमेंशन या उसका व्यास है, म्यू तरल की शानता है। तो इन तीन चार चीज़ों पर निर्भर कर रहा है आपका रेनॉल्ड नंबर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेनॉल्ड नंबर के लिए ऊपर ये प्रतिबंध है कि यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 2100 से कम है तो तरल स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाहित होगा, और यदि इस रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 या इससे ज़्यादा है तो तरल का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होगा, और यदि रेनॉल्ड नंबर 2100 से 4000 के बीच में है तो तरल का जो प्रवाह होगा वो ट्रांजिशन फेस में होगा, यानी उसके अंदर दोनों ही तरह के प्रवाह उपस्थित होंगे, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट दोनों ही। तो हमने देखा कि रेनॉल्ड नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि प्रवाह स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट। रेनॉल्ड नंबर भी तीन चार चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर हम तरल की वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो रेनॉल्ड नंबर का मान भी बढ़ता है, और यदि हम डायमेंशन ऑफ द पाइप की डायमेंशन भी बढ़ाएंगे तो भी रेनॉल्ड नंबर का मान बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज करेंगे तब भी रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, अगर विस्कोसिटी का मान बढ़ाएंगे तो रेनॉल्ड नंबर का मान घटता है। तो इस प्रकार रेनॉल्ड नंबर इन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि पानी जब शांत रहता है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होता है, लेकिन जब पानी के कणों की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग से ज़्यादा हो जाती है, और यूं कह सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वही पानी का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने अच्छे से ये जान लिया है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, कब तरल एक सीधी धारा रेखा में प्रवाहित होता है या कब वही प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह बन जाता है। इसके लिए जो आवश्यक पैरामीटर्स थे क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर, वो भी हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, अतः यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।